मुरादाबाद थाना सिविल लाइन पुलिस व एसओजी टीम ने लूट की घटना का किया खुलासा। 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 42,000 नगद व 2,00,000 के आभूषण किए बरामद। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 13/8/2020 को 7 से 8 अज्ञात बदमाशों ने एक सुनार के घर को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट कर करीब 1,19,000 रुपए नगद व 2,50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित द्वारा थाना सिविल लाइन में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना का खुलासा करने के लिए एसएसपी मुरादाबाद ने सिविल लाइन पुलिस व एसओजी टीम को नियुक्त किया था। वहीं सिविल लाइन पुलिस व एसओजी टीम ने घटना का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। इस बात का खुलासा एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि 13 तारीख को 7 से 8 अज्ञात बदमाशों द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र के गाँव मोहरा मुस्तक में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक घर को निशाना बनाते हुए 1,10,000 रुपए व 2,50,000 के सोने चांदी के जेवरात लूटकर बदमाश फरार हो गए थे व परिवार के साथ मारपीट भी की गई थी। इस घटना के संबंध में सिविल लाइन पुलिस व एसओजी टीम ने 9 आरोपी नदीम, नफीस, अकील, नाजिम, राहत, निजामुद्दीन, रिसालत, अबरार व एक महिला मुमताज उर्फ पतली को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 42,000 रुपए व 2,00,000 रुपए के आभूषण सहित अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। ये 13 अगस्त को मोरा की मिलक थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक सोनार के घर में डकैती की घटना हुई थी। उसमें मुरादाबाद पुलिस की जो एसओजी टीम है और सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए उस घटना में जितने भी 9 लोग जो सम्मिलित थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इनके पास से कुल 42,000 रुपये नकद, 2,00,000 के सोने चांदी के आभूषण, जिसमें अंगूठी है, केस है और भी चीज़ें इनसे झुमके जैसे आदि बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में जो दो मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी वो भी इनसे बरामद की गई है और 6 तमंचे, 315 बोर के हैं और 3 12 बोर के, 9 जिंदा कारतूस, 2 खोखा आदि यू सबसे बरामद किया गया है। इसमें 42,000 रुपये कैश भी इन सबसे बरामद किए गए हैं। ये जो इन्होंने घटना जो पारित करी, इसमें एक व्यक्ति जो रिसालत है, ये सुनार के घर में लगभग 2 साल पहले इसने वहाँ पे मजदूरी का काम किया था, तो इसको पता था कि ये जो घर है एकांत एरिया में पड़ता है और इसमें ये डकैती की घटना और वहाँ से जो क्योंकि सुनार का घर है तो अच्छा खासा कैश और आभूषण उनको उनसे मिल सकते हैं। तो इसने इसी के गांव के रहने वाले नफीस और नदीम दो लोगों से मिलकर प्लान बनाया। फिर बाद में इसने और अन्य लोग भी अपने इस घटना को पारित करने के लिए जोड़े और घटना से करीब 10 से 15 दिन पहले उसने जो मकान था उसकी रेके करी और किस तरह ये घटना करी जाने की पूरी प्लानिंग करी। घटना वाले दिन इन्होंने जो एक महिला है मुमताज और पत्नी और अबरार जो इसका भाई है, इन दोनों के साथ इनसे बाइक और तमंचे की इन्होंने इनसे लिए, तमंचे और बाइक लिए और फिर ये लोग वहाँ से निकले और घटना से पहले एक घर में रुके थे और उसके बाद 6 लोग जो इस घटना जो करी इन्होंने, नदीम, नफीस, आकिल, नाजिम, राहत, ये तीनों ही थाना डिलारी के रहने वाले हैं और निजामुद्दीन जो थाना भोजपुर का रहने वाले हैं, इन लोगों लोग घर के ऊपर चढ़े और अंदर अपने तमंचे और लाठी डंडों के बल पर कैश और जो आभूषण थे घरवालों के वहाँ से उन्होंने जबरदस्ती लिए और चले गए। इस घटना को अनावरण करने के लिए जो हमारी एसओजी टीम भी लगातार लगी रही और हमारे थाने की पुलिस भी लगी रही और लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसमें बहुत सफल अनावरण किया गया।